रेलवे रनिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे वेस्ट केंद्रीय रेल मजदूर संघ के रनिंग स्टाफ कर्मचारी रेल प्रशासन से खफा है। दरअसल रेल मंडल द्वारा घर से बाहर 72 घंटे तक रहने के फरमान जारी होने के बाद से उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने आदेश को तानाशाही पूर्ण निर्णय करार देते हुए गेट मीटिंग के जरिए इसका विरोध किया। उनका कहना था कि रनिंग स्टाफ को एक तो छुट्टियां देने में आनाकानी की जाती है, वहीं साप्ताहिक विश्राम भी नहीं दिया जाता, जिससे उनके कार्यकुशलता प्रभावित होती है। उन्होंने इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। स्टाफ है उनके लिए तानाशाही किया है कि हर 50 किलोमीटर पर एक रनिंग रूम खोल दिया। अब हमारे यहाँ नियम है कि जब हम हेडक्वार्टर जाते हैं 24 घंटे में लौट आकर आते हैं। हमारा सामाजिक जीवन में बाल बच्चे हैं, उनका शिक्षा दीक्षा और खाना पीना का ही प्रबंध करना है। अब इन्होंने उठा करके सेक्शन में आपको जैसे ही आपकी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी उठा के रनिंग रूम में डाल देते हैं, फिर जो है आपको हेडक्वार्टर नहीं भेज करके सेक्शन में आपके 72 घंटे का उपयोग करेंगे। अब हम 72 घंटा आएंगे तो हमारा सोशल लाइफ क्या होगा, हमारे बच्चे क्या एजुकेशन लेंगे, क्या हमारे परिवार का दायित्व कौन उठाएगा? आप लोग तो क्या चाहते? हम लोग चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो रूल्स है, 9 आवर्स हमारी ड्यूटी मैक्सिमम है। रोस्टर हमारा 7.5 घंटे का है, लेकिन मैक्सिमम है कि 9 आवर्स में आपको रिलीव करा करके या तो नियरेस्ट रनिंग रूम भेजना है। नियरेस्ट रनिंग रूम हम इटारसी के एंड में है तो इटारसी को जाएंगे, नहीं जबलपुर के एंड में है तो जेल में। हमको बीच में रोक करके हमारे 72 घंटे का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। रणनीति हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रशासन को झुकने के लिए मजबूर करेंगे कि जो रनिंग स्टाफ के साथ अत्याचार हो रहा है, चूंकि स्टाफ की कमी के कारण ऐसा कर रहे हैं। उनके एसके सिंह जबलपुर मेलघाट शासन डीआरएम द्वारा और सीनियर डी या सीनियर डीओम के द्वारा जो एक लेटर निकाला गया है हमारे रनिंग कर्मचारी के विरोध में, इसे जो है घर से बाहर 72 घंटे रखा जा रहा है। 72 घंटे के बावजूद भी बोला जाता है कि तुम राउंड ट्रिप करते रहो और 72 घंटे पूरा न होने पर बोलता है कि गाड़ी काम नहीं है, फिर भी वही रहो, बाहर रहो घर से। ये जुर्म जो है रेलवे में किसी के साथ नहीं किया जा रहा है, ये केवल रनिंग स्टाफ के पर किया जा रहा है। ये जो है, और जो छुट्टी का जो है, हम लोग 3 दिन के छुट्टी के लिए बोलता है कि सीनियर डी से मिलो, सीनियर डीओम से मिलो, ये कहाँ के अन्याय है, ये कहाँ का न्याय है? हमारे रनिंग कर्मचारी लाइन से 72 घंटे पे आएगा और फिर 3 दिन के 4 दिन के छुट्टी के लिए 5 दिन के छुट्टी के लिए जाकर सीनियर डी के चैम्बर में खड़ा रहेगा क्या? इसी के विरोध में और ये 72 घंटे के विरोध में, और जो है हमारे स्टाफ को प्योरेस्ट रेस्ट जो दिया जाता है साप्ताहिक विश्राम, वो भी नहीं देने का काम कर रहा है। और जो है लगभग कितने रनिंग स्टाफ के लोग हैं करीब करीब जो है 50% से ऊपर स्टाफ ऐसा है जिसका जो है बुकिंग ऐसे किया जा रहा है। यदि नहीं आपकी मांगे पूरी होती तो फिर आपका फिर आगे जो है हम लोग रेल का चक्का जाम करने का भी कैसे करेंगे, और जो है ये रेल जो है रेल को ठप करने का काम करेंगे। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमने जो है एक गेट मीटिंग रखा है, एक जो है केवल गेट मीटिंग है। यह प्रशासन को जो सो प्रशासन है हमारे पर जो अत्याचार कर रहा है, इसके विरोध में आज बिगुल फूकने का यहाँ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मिले थे, उसके चैम्बर में मिला था, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा है। और हम लोग को और ज़्यादा ही सताया जा रहा है। ये जो स्पेयर लाने के नाम पर हम लोग के साथ जो अन्याय किया जाता है, RRR रनिंग रूम में रखा जाता है 16 घंटे, घर पर जो है यहाँ आने के बाद हेडक्वार्टर में आने के बाद यहाँ जो है असिस्टेंट डिविजनल सेक्रेटरी WCRM में संतोष त्रिवेणी। रनिंग स्टाफ को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रनिंग स्टाफ से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रनिंग स्टाफ से खिलवाड़ करो, जो उनकी टक्कर में WCRM में जिंदाबाद।